नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अगर ये चाहते तो करोड़ों को देख करके चुनाव आयुक्त से बात करके इलेक्शन से बात करके और चुनाव को टाल सकते थे। देश के अंदर बिना पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए, दूसरा सरसों का तेल 220 रुपए से लेकर 230 रुपए तक बिक रहा है, जो कि 70 साल के अंदर देश में 70 साल में कांग्रेस की सरकार में 70 रुपए से ऊपर नहीं गया। भारत में बढ़ते पेट्रोल और डीजल को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे भारत में पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन राजधानी सहित पूरे भारत में बैलगाड़ी के ऊपर बैठकर किया गया। आपको बता दें कि भारत में पेट्रोल और डीजल, टमाटर, आलू के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष में बैठी बीजेपी सरकार ने काफी हंगामा काटा था। प्याज और आलू के बड़े बड़े पोस्टर लगाकर गले में प्याज की माला डालकर प्रदर्शन किया था, लेकिन केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार अब अपने ही दाम में फंसती नजर आ रही है। पेट्रोल का शतक लगाने के बाद अब डीजल का शतक लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके चलते आज कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक सीमापुरी से वीर सिंह दिगान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीटीवी इनक्लेव के पेट्रोल पंप पर जमकर हंगामा काटा और बैलगाड़ी पर बैठकर प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं शान मोहम्मद की यह खास रिपोर्ट। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक वीर सिंह दिगान जी। आप जिस तरह से लगातार देख सकते हैं कि नंदनगरी 212 के पास एक पेट्रोल पंप के सामने एक बुग्गी ठेले पर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं और लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो पूर्व विधायक वीर सिंह दिगान का कहना है कि छोटे सा लालच दे के आम आदमी पार्टी गरीब लोगों से 2000 रुपये वसूल रही है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो पिछले चुनाव से पहले जो माननीय नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता से 15 लाख रुपए और अच्छे दिन का, आज वही वादा फेल हो रहा है और देश में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन दीपक के शान मोहम्मद, हकीकत न्यूज़, दिल्ली। हम लाएंगे और 15 लाख रुपए एक एक आदमी के खाते में डालेंगे। आज वो कहाँ गए 15 लाख रुपए? उन्होंने चुनाव जीतते तुरंत बात कह दिया उसको कि वो तो चुनावी जुमला था। अब आज जो है बात करते हैं, क्या वो चुनावी जुमले नहीं हो सकते? इसलिए इनकी बात को यकीन करना बिल्कुल बेकार है और जनता को समझ जाना चाहिए कि भारतवर्ष को, ये हिंदुस्तान को, इस देश को ये महंगाई की भट्टी में झोंक रहे हैं। आम आदमी बर्बाद हो रहा है, हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा और इस तरह से ये लोग अपना इसी तरह जश्न मनाते रहेंगे। मैं आज जो कोविड की बीमारी थी जिससे देश पूरी तरह से बर्बाद हुआ है, उसके लिए भी मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अगर ये चाहते तो करोड़ों को देख करके चुनाव आयुक्त से बात करके इलेक्शन से बात करके और चुनाव को टाल सकते थे, लेकिन इन्होंने चुनाव के दौरान बड़ी बड़ी रैलियां करके बहुत लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा की और करोड़ों को दावत दी। आज जो लोग, हजारों लाखों लोग जो मरे हैं, वो मैं कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी की वजह से मरे हैं। उसको जिम्मेदार नरेंद्र मोदी को माना जाए और उन पर केस चलाना चाहिए। दिगान जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी लगातार जनता को थोड़ा बहुत फ्री का लालच देकर वही 2000 रुपये सोशल डिस्टेंसिंग और चालन के नाम पर गरीबों से वसूल रही है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें तो केजरीवाल जी जब आए थे तो अपने आप को पूरी तरह से ईमानदार और गांधीवादी कहते थे। मुझे बड़ा अफसोस है कि आज जिस तरह से घर घर में शराब की सप्लाई की बात कर रहे हैं, गांधी जी होते तो उनकी आत्मा क्या कहती? ऐसे आदमी को शर्म आनी चाहिए। और मैं कहता हूँ, इसमें भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का स्टैंड भी सही नहीं है, क्योंकि अगर सही होता तो हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट की थी कि इस योजना पर लगाम लगाई जाए और जब तक ये घर घर सप्लाई की योजना बंद नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि केजरीवाल ने एक नया रास्ता पैसा कमाने का ढूंढा है। ये दुकानों को प्राइवेट करने का, लोगों से पैसा ऐंठने का, ये एक नया इन्होंने अपना रास्ता बनाया है चुनावी के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए। और आज जिस राशन की आप बात कर रहे हो, उस राशन के लिए 11-12 रुपए के लालच के लिए आदमी 400-500 रुपए की दिहाड़ी छोड़ करके अपने बच्चों को इस तरह से भूखमरी के कागार पर रख करके वो राशन की लाइन में लगा हुआ। शर्म आनी चाहिए इनको, अगर ये योजना करनी थी इनको। आज देखिए कितने संवेदनशील है मुख्यमंत्री, के जो भारत सरकार से गरीबों की मदद के लिए अनाज आया था, वो अनाज बहुत सारे स्कूलों में छड़ गया है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर नैतिकता है, सच्चाई है, ईमानदारी है केजरीवाल जी, तो आपको अनाज के बदले में रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी बड़ी महान गलती की है कि जो गरीबों के बच्चे, जिसे खा करके उनकी आंखें खुलती, जो उनके पेट में जाता, उनके
उनका राहत मिलती उनको, उस राहत को आपने खत्म कर दिया और लापरवाही से ऊपर से राशन मंगा करके उनको बांटा नहीं, यह आपकी लापरवाही का नतीजा है। इसलिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, इस सरकार को सस्पेंड करना चाहिए इस इलेक्शन में, इस आरोप में। मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से देश के हालात हैं, उसके हालात को देखते हुए देश में जो कोरोना की महामारी के चलते हुए इन्होंने बिना किसी की सोच बूझ के देखे हुए देश के अंदर बिना सीट पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए, दूसरा सरसों का तेल 220 रुपए से लेकर 230 रुपए तक बिक रहा है, जो कि 70 साल के अंदर देश में 70 साल में कांग्रेस की सरकार में 70 रुपए से ऊपर नहीं गया, और इन्होंने मात्र 7 साल के अंदर 170 रुपए से 230 रुपए तक लीटर बिकवा दिया। ये एक ऐसी सरकार है जो गरीबों के साथ धोखा और छल के साथ काम कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सिलेंडर पे 5 रुपए बढ़ा करते थे तो कंधों पे उठाकर उसको तांडव किया करते थे। आज कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि पूरे देश में सरसों को तेल को लेकर और पेट्रोल डीजल को लेकर जो हाहाकार मचा पड़ा है उसमें ये रेट बहुत ही हाई भाई है, उनको कम करना चाहिए। अगर बात करें राशन की तो आम आदमी पार्टी द्वारा दिया राशन आज स्कूलों में बढ़ रहा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी केवल और केवल सोशल मीडिया के लिए काम कर रही है और केवल अपने प्रचार का काम कर रही है। जब उनको पिछले 2 महीने में लॉकडाउन में जरूरत थी तब राशन नहीं दिया गया, आज जब लॉकडाउन खुल गया जब राशन बांट कर वो दिखाना चाहती है कि हम गरीबों के साथ हैं, क्या ये आपके सामने नहीं है कि 12 रुपए के राशन के लिए एक एक आदमी के 400 रुपए की झाड़ी को लाइन में लगा रखा है? 2 रुपए किलो गेहूँ, 4 किलो गेहूँ दे रहे 8 रुपए के, 3 रुपए के 1 किलो चावल हो गए, 8 और 3 11 रुपए के चक्कर में 400 रुपए की झाड़ी आदमी आज अपनी छोड़े पड़ा है, क्या ये इसके साथ नाइंसाफी नहीं हो रही? यही कहना चाहता हूँ कि ये सब कहना ठीक है, उसको घर घर राशन की बात करते हैं तो आधार के कार्ड के आधार पर उनको घर राशन मुहैया कराएं, लैंड में ना लगाएं उनको। जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ये कहा था कि पेट्रोल के दाम काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, लेकिन आज लगातार देश में और दिल्ली के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ की राजनीति करती है। मोदी जी जब 2014 में आए थे तब उन्होंने 15 लाख का जुमला बोला था आपके सामने है, लोगों को गुमराह किया, और आज देश के अंदर फिर वही राजनीति चली जा रही है। युवाओं को नई नौकरी का देने का 2 करोड़ का वादा दिया, आज बताइए कितनी नौकरियां मिली? ये सब आपके सामने है, इससे देश गुमराह नहीं हो सकता। कांग्रेस द्वारा ये धरना प्रदर्शन बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ किया जा रहा है, पेट्रोल के दाम को लेकर क्या कहेंगे? देखो, पेट्रोल के दाम जिस तरीके से आसमान को छू रहे हैं वो अपने आप में निश्चित है कि जनता के हक की आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जब ये सरकार केंद्र में आई थी तो सबसे पहले जो इसका वादा था उन वादों में जो खास तौर से युवाओं से जो वादा किया गया था वो यही वादा किया गया था कि हम पेट्रोल के दामों को गिराएंगे और महंगाई को कम करेंगे, लेकिन आप उसके बिल्कुल उल्टा देख रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पेट्रोल के दाम सस्ते हो रहे हैं उसके बावजूद हमारे देश के अंदर जो है तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला है, पूरी जनता के साथ ठगी है, और इसकी मार इस कोरोना के काल में आम जनता सह रही है। तो पेट्रोल के दाम गिरने चाहिए, क्योंकि इसमें सच्चाई ये है कि सरकार ने टैक्स बहुत ज़्यादा लगा रखा है इसके अंदर। अगर ये लगातार जो देश में और दिल्ली के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, अगर इस धरने से कोई फर्क नहीं पहुंचा तो आपका अगला कदम क्या होगा कांग्रेस पार्टी का? देखो, कांग्रेस हमेशा जनता के साथ है, और अगर इससे ये दाम घटते नहीं हैं पेट्रोल के, तो इसमें हम बड़े पैमाने पर पूरे ऑल इंडिया पूरे भारत में अपने धरने प्रदर्शनों को और ज़्यादा तेज़ करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम ये अन्याय नहीं होने देंगे, ये टैक्स की जो कालाबाजारी है इसको नहीं होने देंगे। टैक्स की आड़ में जिस तरीके से ये बड़े पैमाने पर घोटाले कर रहे हैं उसे कांग्रेस सरकार कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव, क्या लगता है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी बाजी मार पाएगी? देखिए, आपने देखा था कि बंगाल के अंदर जो खेला हुआ था, तो ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश में समझ लीजिए कि इस बार खदेड़ा होगा। योगी सरकार को निकलना पड़ेगा, योगी जी को जाना पड़ेगा, उसका बहुत ही क्लियर मामला आप समझ लीजिए कि उन्होंने ना केवल कोरोना के टाइम में जो होने वाली सच्चाइयां थी आपके सामने भी बात है, उनको बीमारियों को छुपाया, मौतों को छुपाया, आंकड़ों को सारे आंकड़ों को छुपाया, और अपने आप को एक बेहतरीन मुख्यमंत्री प्रदर्शन करने की कोशिश करी है, जबकि सच्चाई ये है कि वो सबसे घटिया मुख्यमंत्री हैं। जो आदमी अपनी आवाज़ को नहीं उठाने दे सकता, जो सच्चाई को आगे नहीं दे सकता, हम उससे क्या विकास की बातें करेंगे? तो जनता इस बार समझ चुकी है, और किसी भी प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, किसी भी प्रदेश के अंदर इतनी लाशें सड़कों पे नदियों में बहती हुई, रेतों में दफन करती हुई, जिनको चिता तक नसीब नहीं हुई, वो संकेत देती है कि इस बार योगी सरकार की छुट्टी पर निश्चिंत है।
वापस लो, वापस लो, वापस लो, पैर के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी